लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। विपक्ष की मजबूत घेराबंदी के चलते अब बीजेपी को नए सहयोगी तलाशने पड़ रहे हैं। पार्टी को नए सहयोगी तक मिल नहीं रहे हैं, उल्टा जो पुराने सहयोगी हैं वो भी बीजेपी से नाता तोड़ रहे हैं। और अब एक और दल ने एनडीए छोड़ने की तैयारी कर ली है, तो कहां लग रहा है बीजेपी को झटका, देखिए ये रिपोर्ट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी को झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष की मजबूत घेराबंदी से निकलने का प्लान उसे मिलता नहीं दिख रहा है। उम्मीदवारों की सूची पहले जारी करने का भी कोई फायदा नहीं मिला है, उल्टा जिन्हें टिकट मिला वो लोग टिकट वापस कर रहे हैं क्योंकि डर हारने का लग रहा है, जिससे बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। पार्टी को नए सहयोगी भी नहीं मिल रहे हैं जबकि पुराने साथ छोड़ रहे हैं। AIADMK के बाद बीजेपी को अब हरियाणा में बड़ा झटका लगने वाला है। इस समय हरियाणा में बीजेपी और JJP की सरकार है, लेकिन अब खबर आ रही है कि JJP बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहती और इसी को देखते हुए भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी, JJP के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। सूत्रों ने दावा किया है कि बीजेपी की हरियाणा कोर कमेटी की आलाकमान के साथ हुई बैठक में ये तय हो गया है। पार्टी का मानना है कि 10 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने अकेले ही लड़ने का मन बना लिया है। भाजपा हरियाणा की लोकसभा सीटों पर 10 मार्च के बाद कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, जिससे ये माना जा रहा है कि हरियाणा में JJP बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, जिससे बीजेपी को राज्य में तगड़ा झटका लग सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।